यहाँ भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, कैसे देख रहे हैं और कैसे मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी? फिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इसी पे हमेशा बात करती रही है। अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ये हट जाए क्या, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई मुद्दा शेष ही नहीं रहे। विकास के नाम पर वोट मांगना एक अलग बात है और किसी भी तरह से सत्ता को हथियाना, सत्ता की लोलुपता किसी भी हद तक गिर जाना, वो बात एक अलग है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उस समय भी मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस बोलेरो कैंपर पर बने हुए विशेष के साथ, माननीय राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर श्रीनगर के लाल चौक तक चला था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस समय मैंने ये उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं कि जनता का अपार स्नेह और सहयोग और समर्थन हर जगह हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की यात्रा को मिला और हमेशा मिलता रहा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2024 में कांग्रेस जीरो पे समट जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक और दावा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि चुनाव बैलेट पेपर से ईमानदारी से करा लिए जाएं और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। पर वो तो 400 के पार का दावा कर रहे हैं। वो 400 के पार का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम बल भी है, धन बल भी और भुजबल भी है। वरना इस यात्रा में भी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर शांति सद्भावना कायम रहे, देश के अंदर सब भाईचारे के साथ में रहे, देश के अंदर सब हिलमिल करके रहे और इस देश की तरक्की में अपनी अहम भूमिका अदा करें। अब इसके अंदर न्याय शब्द और जोड़ करके मणिपुर के इम्फाल से मुंबई के महाराष्ट्र तक इस यात्रा को निकाला जा रहा है। अभी यात्रा अंतिम चरण में चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर हिंसा आज भी बरकरार है। आज भी हमारी माता बहनों को वहां पर मारा पीटा और नंगा घुमाया जा रहा है। आप मणिपुर का दावा कर रहे हैं और मणिपुर जो मणिपुर है और मणि की बात चल रही है। यहाँ मणिपुर के लिए भाजपा कह रही है कि मोटा भाई काफी है मणिपुर को संभालने के लिए और मणि को लेकर के कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए गए। देखिएगा, भाजपा और आरएसएस सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। कांग्रेस की विचारधारा, हम जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, हम निस्वार्थ भाव से इस देश के उज्जवल भविष्य और इस देश की आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य, उनके सुखमय जीवन के लिए इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को निकाला जा रहा है और इस यात्रा की सफलता, जैसा कि आप वहां से देख रहे हो, हम मणिपुर से देख रहे हैं, जनता का अपार स्नेह और सहयोग, जनता का अपार समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। इस यात्रा के अंदर हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के व्यक्तियों का अपार स्नेह और सहयोग इस यात्रा के अंदर मिल रहा है। आप हर धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी तो धर्म के नाम पर नागरिकता देने की बात कर रही है। देश में सीए लागू कर दिया गया है और ये बताया गया कि मुसलमानों को टाइट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है इस देश के अंदर। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि इस देश के अंदर, इस देश की आजादी में हमारी तो उम्र इतनी नहीं है कि हमने तो आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, मगर हमारे पुरखों ने देश की आजादी में भाग लिया है और देश की आजादी में हमारे पुरखे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के व्यक्तियों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। तो ये देश हर धर्म के व्यक्तियों का ये देश है। इस देश के अंदर हर व्यक्ति के पुरखों का खून बहा है। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जैसे एक पिता के चार बेटे होते हैं, वो आप ये समझ करके चलिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
चार बेटे हैं एक पिता के, इसी तरह से इस भारत माता के चार बेटे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर पिता एक बेटे के ऊपर ज्यादा लाड लड़ाए और तीन बेटों पर नहीं लड़ाए तो निश्चित रूप से उन तीन बेटों के हीन भावना आएगी। इसी तरह से अगर एक ही भाई अपना अपना भला चाहे और भाइयों का भला नहीं चाहे तो निश्चित रूप से और भाइयों में खटाई आएगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा इस उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे चारों भाई हैं, अगर चारों भाई अपना व्यापार इकट्ठा करते और एक दूसरे का सहयोग करके करते तो वो व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। इसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों समुदाय अपने चारों धर्म के व्यक्ति हर धर्म का आदर सत्कार सम्मान करते हुए इस देश की तरक्की में अपनी आहुतियां देंगे, इस देश को के विकास में सब मिलकर के सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये देश बहुत प्रगतिशील बनेगा। सब धर्मों के लोग तो साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर भाजपा ये बता रही है कि धर्म के नाम पर ही नागरिकता देगी, जब मुसलमानों की नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े करेंगे तो कैसे देश आगे चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की नागरिकता को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कुछ करती है तो लीगल डॉक्यूमेंट मांग रहे। अगर लीगल डॉक्यूमेंट की कहीं कोई बात आती है तो मैं जहां तक समझता हूं कि राजनीतिक मुद्दे रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाजपा राजनीति इसी पे करती है? भाजपा तो राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम और मंदिर के नाम से। मुझे बताओ ना कि विकास के नाम से मोदी जी ने जब जुमला दिया था कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, क्या आपके खाते में आए 15 लाख? उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, क्या आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? नहीं मिली ना, तो वो तो जुमला दे रहे हैं। और आप ये देखो कि मैं ये बताना चाहूंगा कि देश के अंदर 16 लाख करोड़ 20-22 व्यापारियों के माफ किए, जिससे कि 24 साल तक इस देश के अंदर मनरेगा जैसा मनरेगा चल जाती, इतना पैसा उन्होंने सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस देश के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता और ये जनसैलाब आप जगह जगह जो देख रहे हो, क्या ये जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता पर अपनी मोहर लगाता है।